कितनी औरतें दो दो घंटा पहले काम पे पहुंच जाती है कि ताकि मुझे चढ़ने मिले। कलवा के यार्ड में चढ़ने कैसा मिलता है आपने देखा नहीं है? चलती हुई ट्रेन में औरतें साड़ी उठाकर पकड़ लेती है ट्रेन, यानी उससे ज्यादा डर किसी को भी नहीं है। यहाँ के कुछ पागल लोग व्हाट्सएप पे घुमाते रहते हैं, जितेंद्र आवाड़ कहाँ है, जितेंद्र आवाड़ यहाँ है, और मेरा रेलवे से कुछ लेना देना नहीं तो भी लड़ रहा हूँ, आप घर में बैठ के व्हाट्सएप घुमाओ। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर, और आपको बता दें कि आज कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आवाड़ ने जो रेलवे प्रवासी जो रेलवे यात्री हैं उनके साथ में यहां पर एक मीटिंग रखी थी। खास तौर पर इस मीटिंग का आयोजन इसलिए किया गया था कि जिस तरह से मुंब्रा से जो है कई 21 ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई हैं, और उसके बदले में एसी ट्रेनें जो चलाई जा रही हैं इसको जो है एसी ट्रेनों के खिलाफ लोग हैं, और लोगों की मांग है कि जो फास्ट ट्रेनें चलती हैं वो भी मुंब्रा स्टेशन पर रोकी जाए और नॉर्मल लोकल ट्रेनों की संख्या जो है बढ़ाई जाए। इसको लेकर खास तौर पर जो जितेंद्र आवाड़ हैं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मुंब्रा और कलवा के जो रेलवे यात्री हैं उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि सुबह का वक्त जो होता है वो काफी जो है भीड़ होती है रेलवे स्टेशन पर। मुंबई की तरफ जो जाने वाले लोग होते हैं वो सुबह के वक्त लोकल ट्रेनों में चढ़ नहीं पाते। हालांकि आपको दिखाएंगे कि मुंब्रा का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर दो प्लेटफॉर्म जो है बढ़ा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद प्लेटफॉर्म बढ़ने के बाद जो है ट्रेनों की संख्या जो है वो कम कर दी गई है, लेकिन यात्रियों की संख्या जो है मुंबई की तरफ जाने वाली वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है, और इस वजह से लटक कर जो यात्री जाते हैं उनकी ट्रेन से गिरने से या खंभा लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा कलवा और मुंब्रा के लिए बन गया है। और जितेंद्र आवाड़ जो है अब यात्रियों को जो है आह्वान किए हैं कि यात्री उनके साथ आ जाए। हालांकि उन्होंने रेलवे से मांग की है कि लोकल नॉर्मल लोकल ट्रेन जो है वो बढ़ाई जाए और एसी ट्रेन, उनका कहना है कि एसी ट्रेन भी चलाएं, लेकिन नॉर्मल ट्रेनों की संख्या जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि कई ऐसी जो है सेमी फास्ट ट्रेनें मुंब्रा से सुबह जो है मुंबई की तरफ जाती थी लेकिन उन्हें रद्द कर दिया गया, उनकी जगह पर एसी ट्रेनें चलाई जा रही है। कई फास्ट ट्रेनें मुंब्रा कलवा में रुकती नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, और इसी वजह से लोकल ट्रेनों में भीड़ हो रही है, यात्रियों की जान भी जा रही है। और जितेंद्र आवाड़ ने खुले शब्दों में कहा है कि अगर रेलवे उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले 2 अक्टूबर को मुंब्रा कलवा के जो यात्री हैं वो जो है रेलवे पटरी पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर जितेंद्र आवाड़ ने यहाँ पर जो यात्रियों से मीटिंग की है, इसमें ठाणे रेलवे प्रवासी संघ के जो है लोग थे, मुंब्रा के जो है प्रवासी संघ के लोग थे, और इस दौरान जो यात्री थे उनकी भी समस्याएं सुनी है, और उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है हम आपको सुनाते हैं। पहला थामना है 21 सेमी फास्ट फास्ट लोकल है त्या व्यवस्थित करा, ये जे प्लैटफॉर्म है जितना आता एक्सप्रेशन मेल धावता है ते इतना धावता कामा नहीं, त्यांच्यासाठी ट्रैक है वेगळा। या ट्रैक मुळे या सगळ्या बिल्डिंगी हालायला लागतात। मला स्वतः स्टेशन मास्टरनी सांगितलं की माझी बिल्डिंग पडायला आली, याचा जो आवाज आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या आवाजाच्या मर्यादा हालून दिल्या आहेत रात्रीसाठी, त्या सगळ्या मर्यादा तोडणारा आवाज आहे। पोलिसांनी रेल्वेविरुद्ध केस दाखल करायला पाहिजे आणि आम्ही करणार आहोत, मुंबळ्यातही करणार आहोत आणि कळव्यातही करणार। तो रेल्वे को इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा, नहीं तो हमको आंदोलन के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। सर्वसामान्य इथे जमलेला आहे, पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात आवला दबावाखाली हे काम करणार आहे, रेल्वे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे दबावाखाली कुठेतरी। असं आहे की ही जी पद्धती आहे ना की पोलीस लावायचे मशीन गन घेऊन यायचं, रेल्वे प्रवासी येतात तिरे की नाही आहे, महाराष्ट्र महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्र म्हणजे काश्मीर नाही आहे। माझ्यासमोर 20 टोपी घातलेली मशीन घेऊन उभे आहेत आणि तो बेशरम माणूस, मी म्हटलं बंदूक दाखवतो तर वरती बंदूक करून दाखवतो, बंदुकींना कोण घाबरत नाही हो, काय मुळे एकदा माराल ना हिंदी सर
ये बात रिपीट कीजिए। गोळी 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 एकदा लागेल ना, एकाला गोळी लागली तर हजार जण गोळी घ्यायला तयार होतील, तेवढ्या गोळ्या तुमच्याकडे। पद्धत बरोबर नाही। मी रेल्वे मीटिंगला गेलो होतो, मी मीटिंगला पोचलो, बाहेर बघतो तर मी चालतोय, माझ्या बाजूला 100 मशीन गन धारी होते, 100। अरे मी लोकशाहीमधला लोकप्रतिनिधी गेलो आहे ना, अपॉइंटमेंट मागून गेलो आहे ना, माझ्याबरोबर किती लोक आहेत ते तर तपासा। पण हे घाबरवण्याचे जे प्रकार आहेत ना, त्याचा धूम दिखतो, कोण घाबरणार बिघडणार? ट्रेनमध्ये मारायचं तर तुमच्या गोळ्या खाऊन मारू। तर आणखी ए सी लोकल ट्रेन वाढणार आहे 200 अधिक हार्बर सेंटर वेस्टर्नला, काय वाटतं भविष्यात? भविष्यात रेल्वेचं प्रायव्हेटायझेशन होणार आहे, भविष्यात सर्व नॉर्मल लोकल बंद करणार आहेत, आणि भविष्यात हे दाखवणार आहेत, दाखवण्यात येणार आहेत की लोकांची आर्थिक स्थिती किती मजबूत झाली आहे, की लोक आता स्वतःहून ए सी ट्रेननी प्रवास करतात ना प्रयत्न, की मागच्या 7 आठवड्यात तिप्पटीने मागणी झाली आहे। स्वतः मला DRMनी सांगितलं की 10 ट्रेनमध्ये 5700 प्रवासी जातात, स्वतः DRMनी सांगितलं की साक्षीदार आहेत ना, म्हणजे दिवसाला एका ट्रेनमधनं 570 आणि एका नॉर्मल ट्रेनमधनं 6000 लोक जातात, कशी तुलना करणार तुम्ही? 90% तुमच्या बाजूने सर्वसामान्य 10% मात्र विरोध करतात। अरे ते बरोबर नाही, त्यांचा विरोधाला माझं काही म्हणणं नाही, पण लोकशाहीमध्ये 90%नाच अधिकार असतात। मुमरा कौसा के यात्रियों की डेढ़ महीने से आप इस समस्याओं पर फॉलो कर रहे, क्या रेलवे ने अब तक आपको ठोस आश्वासन दिया है कि मुमरा के नए बनाए गए इन प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर और लिफ्ट कब तक लग जाएगी? आपको मैं बता देना चाहता हूँ मुमरा के लोगों को, एक तो पहली बात ये केंद्र का मुद्दा है जो आमदार का मुद्दा नहीं है। यहाँ के कुछ पागल लोग व्हाट्सएप पे घुमाते रहते हैं जितेंद्र आवाड़ कहाँ है, जितेंद्र आवार यहाँ है, और मेरा रेलवे से कुछ लेना देना नहीं तो भी लड़ रहा हूँ, आप घर में बैठ के व्हाट्सएप घुमाओ। एस्केलेटर के लिए मैं 3 साल से लगातार पीछे रहा, शायद ये किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे जो जगह थी वो जगह क्या नाम था रे उसका, सलीम कुरेशी करके एक आदमी था, उसने 712 के ऊपर खुद का नाम लिखा, उसका लिटिगेशन कर दिया और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया। अब जाके कहीं वो स्टे बाजू में गया है, काम शुरू गया है, और उन्होंने मुझे लेटर दिया है कि जनवरी के 1 तारीख तक सब शुरू हो जाएगा, लेकिन कल नहीं, नवंबर में, परसों आया था मैं, कल आया था तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि नवंबर आखिर तक काम पूरा हो जाए। मैंने शुरू करो दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जनसंख्या गई, लोगों की संख्या गई बड़ी है, तो वो दीवा मुमरा और कलवा में ही बढ़ी, और बढ़ी हुई लोकसंख्या के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं किया गया। सर ऑफिसर की समस्याएं अलग है, ऐसी आती है 9:13 को, उसके बाद 12 बजे आती है। मुमरा में आप देखेंगे जो ऊपर के शेड वगैरह बनाए गए हैं वो इतने लचर तरीके के हैं कि बारिश में लोग भीगते हुए जाते हैं, तो कुछ थोड़ा फर्क है। अभी मुमरा प्रवासी संघ लोगों से हमारी बात हुई थी, तो ये 2 फर्क है सर इसमें, मुमरा में और कलवा में। ऐसा नहीं है, मुमरा में भी उतने ही लोग चढ़ते हैं जितना कलवा में चढ़ते हैं। कलवा में कार शेड से एक ही लोकल निकलती है 8:05 की, जो 8:20 को थाना से निकलती है, तो ये गलत सहमी में मत रहो। लोग सिर्फ अगर 11 बजे का भी ऑफिस है तो 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेते हैं कि बाद में वो धक्का वो गर्दी में न जाते हुए पहले ही चले जाओ। कितनी औरतें 2-2 घंटा पहले काम पे पहुंच जाती है कि ताकि मुझे चढ़ने मिल जाए। और आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि आप जो लोगों को बताए गए ना कि क्या कलवा के यार्ड से, कलवा के यार्ड में चढ़ने कैसा मिलता है आपने देखा नहीं है? चलती हुई ट्रेन में औरतें साड़ी उठाकर पकड़ लेती है ट्रेन,
यानी उससे ज़्यादा डर किसी को भी नहीं है। ये तो अब जिंदगी जीने का तरीका बम्बई का है कि जान तो जान दांव पे लगा के ही चलते, जान हथेली पे ही लेके चलते, तो ये तुलना नहीं हो सकती है। यातायात करने वाला प्रवासी हो, चाहे थाना का हो, मुमरा का हो, कलवा का हो, दीवा का हो, बदलापुर का हो, उसकी समस्या एक ही है कि वो टिकट के लिए पैसा देता है, लेकिन टिकट निकालने के लिए निकालने के बाद उसकी जान खतरे में। सर रेलवे प्रसिद्धि पत्र काटते 60% प्रॉफिट मारे झुकली होती, आमचं म्हणणं ए सीला किती फायदा होतो तो नाही आहे, आमचं म्हणणं आहे गरिबांसाठी काय करता ते सांगा, आमच्या लोकल पूर्ववत सुरू करा, तुम्ही 24 तास रेल्वे द्या, आमचं काय म्हणणं नाही, पण आमच्या सुविधा काढू नका। आपकी लड़ाई की रणनीति क्या है सर? आप प्रवासियों को एकत्र कर रहे हैं, अब आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी देखो आगे आगे होता है क्या। माइक माइक माइक।